मैडम बच्चों अगर हाउसवाइफ को हिंदी में गृहिणी बोलते हैं तो हस्बैंड को क्या कहेंगे? पप्पू को सोच के बोला, मैडम हस्बैंड को ग्रहण बोलेंगे। मैडम बेहोश। कहते हैं जूता लटकाने से आपकी गाड़ी दुर्घटना से बच सकती है, तो भाई साहब इंसान का जीवन तो गाड़ी से भी अनमोल है, तो इस हिसाब से एक जूता गले में भी लटका लेना चाहिए। आप में वजन हो या ना हो, पर शब्दों में इतना वजन रखे कि किसी को फेंक के मारे तो आगे वाले के तीतर कौवे सब उड़ जाए। हॉस्टल में रहने वाला एक लड़का उदास बैठा था। उसके दोस्त ने उससे पूछा, क्या समस्या है भाई? लड़का बोला, यार मैंने अपने पापा से किताबों के लिए रुपए मंगवाए थे, मगर उन्होंने किताबें ही खरीद के भेज दी। आजकल नए जनरेशन की कॉन्टेक्ट लिस्ट देखकर ही डर लगता है। मम्मी न्यू, पापा टू, क्या है भाई ये सब? माँ बोली, बेटी तुझे कैसा ससुराल चाहिए? नए जमाने की लड़की, माँ ससुराल कैसा भी हो, बस मोबाइल इंटरनेट का नेटवर्क अच्छा आना चाहिए। माँ बेहोश। एक डॉक्टर की रात को अचानक नींद खुली। उसने पाया कि उसका बाथरूम पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, जिससे पानी जमा हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अभी प्लम्बर को बुलाता हूँ। पत्नी बोली, तुम प्लम्बर को रात को 2 बजे मत बुलाओ। डॉक्टर बोला, मैं तो बुलाऊंगा, हम भी तो चाहते हैं रात को अगर कोई बीमार हो जाए तो। उसने प्लम्बर को फोन किया, उसे प्रॉब्लम बताई और प्लम्बर को रात को ही आने को कहा। प्लम्बर बोला, सुबह आता हूँ। पर डॉक्टर ने फिर से वही बात कही, अगर हम डॉक्टर लोग रात को मरीज देखने जा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं आ सकते? कोई 3 बजे प्लम्बर आंखों को मसलता हुआ पहुंचा। डॉक्टर ने उसे ब्लॉक टॉयलेट दिखाया। प्लम्बर बाहर गया, वहाँ टेबल पे कुछ टैबलेट पड़ी थी। उसने उसमें से 2 टैबलेट निकाली और टॉयलेट में डाली और डॉक्टर से बोला, अगर इस दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा तो सुबह फिर से मुझे कॉल करना। ये देख डॉक्टर बेहोश हो गया। एक आदमी उदास बैठा था। उसे देख उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ भाई, उदास क्यों है? आदमी, यार सालों पहले एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने कहा था, बेटा तेरे पास इतना आएगा कि तू संभालता फिरेगा और सबको बांटेगा। दोस्त, वाह ये तो अच्छी बात है। आदमी, अरे काहे की अच्छी बात, आज पता चला कि वो व्हाट्सएप मैसेज की बात कर रहे थे। दोस्तों चुटकुलों के बीच में एक मजेदार सवाल बताए। नाक को पकड़ के खींचता है कान, कोई नहीं इसे कुछ कहता, बताओ उसका नाम। इसका जवाब कमेंट करके बताए। नए जमाने की एक सास रो रही थी क्योंकि उसकी बहू की दूसरी संतान भी पोती ही हुई थी। पड़ोसन महिला ने समझाया, क्या फर्क पड़ता है कि लड़की हो या लड़का। इस पे सास बोली, मैं भी जानती हूँ कि बेटियाँ लक्ष्मी होती है, लेकिन मुझे तो दुख सिर्फ इतना है कि अगर मेरी बहू को बहू नहीं मिली तो उसे सास बनने का दर्द कब महसूस होगा। एक सच बात, घर में चाहे कितने ही लोग क्यों ना हो, अगर माना दिखे तो घर खाली खाली ही लगता है। सही कहा ना दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।